सांवरे हैं, सलोने हैं, सुंदर हैं, राधा के मन मोहन हैं। एक बार यशोदा माँ से कान्हा ने शिकायत की, राधा इतनी गोरी है। यशोदा माँ ने कहा, हाथों में गुलाल ले लो, राधा को रंग दो, वो तुम्हें भी रंग देगी, हो जाओगे दोनों एक जैसे रंग के। होली हमें यही सिखाती है। होली का त्यौहार बहुत ही प्यारा त्यौहार है, लेकिन अगर इसमें सुर मिल जाए तो रंगारंग होली सुरीली हो जाती है। मैथिली ठाकुर के साथ अमर उजाला की ये खास होली, ताकि आप भी अपनी सुरमई होली बना सके। तो आज की होली जो है वो मैथिली के साथ है, सुरों से भरी है। आप भी झूमिए और जमकर रंग लगाइए। मैथिली, बहुत सारी मुबारकबाद आपको होली की। धन्यवाद आपको। मैथिली, होली की बात आए और हम कान्हा के रंगों की बात ना करें, तो मैं चाहती हूँ मैथिली आप शुरुआत जो है ब्रिज की होली से करें। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिज की होली तो मेरो चूनर में पड़ गया दागरी। उतार उतार, जल्दी उतार थोड़ा। मेरो चूनर में, मेरो चूनर में पड़ गयो दागरी। गलियों में तो हमें घुमा दिया और चटक रंग भी डाल दिया, नटखट शाम के बारे में भी बता दिया। थोड़ा अयोध्या चले, राम जी की होरी ना हो तो कैसे काम बनेगा। तो चलिए राम जी की होरी की भी बात कर ली जाए। बिल्कुल। मिथिला में राम खेले होरी, मिथिला में राम खेले होरी।
मिथिला में राम जी ने तो जमकर होली खेली, लेकिन जब हम बात करते हैं भोलेनाथ की, शंकर की जब बात करते हैं, जानते हैं शंकर भगवान भस्म अपने तन पर लगा के रमते थे, उनके साथ चाहे कोई भी हो वो मिलजुल करके रहता था। उसका कारण जानते हैं आप? कोई भेदभाव नहीं था, कोई अंतर नहीं था, कोई जात पात नहीं थी। उन्हीं भोलेनाथ की होली की बात भी मैथिली की जुबानी करेंगे। साजन खेले मसाने में होरी दिगंबर। होली के दिन एक अलग विरह भी होता है, जब आपका पिया, जब आपका सजना आपके पास ना हो, ऐसी भी एक होली होती है, क्यों मैथिली? बिल्कुल। तो ऐसे में भी तो कोई गीत होता है ना? बिल्कुल होता है। जब आप पहले कहते थे कि बाहर जाते थे काम करने के लिए, अगर आज भी देखे तो फौजी जो होते हैं, हाँ। आप ग्रामीण इलाकों में चले जाए तो वो बाहर होते हैं सरहद, हाँ, पर, हाँ, हाँ, हाँ। और होली घर में हो रही होती है, और आंगन में एक किनारे एक महिला खड़ी होती है जो इंतजार करती है, कल्पना करती है कि उसका साजन आए और उसको रंग लगाए। उस विरह को लेकर के कुछ गा दीजिए मैथिली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। का संग खेलूं
तो इसी तर्ज पे बहुत सारे होली हैं जो एक एक करके गाते रहते थे वो लोग, तो उनमें से एक है जो मैंने रिसेंटली उनसे सीखा। तभी तो मिथिला की मैथिली को चुना है हमने होली के स्पेशल के लिए, ताकि वो गांव की और जमीन की खुशबू आती रहे हमारे शो में। मैथिली शरारत बहुत होती है होली पर, हाँ। है ना, ब्रिज गलियों में तो लठ होली भी होती है, प्यार प्यार में लठ चल जाते हैं, लेकिन उसमें एक शरारत होती है, अटखेलियां होती है, हाँ। है ना, और सबको माफ कर देने की भावना होती है, हाँ। तभी तो होता है, क्या होता है याची, बुरा ना मानो होली है, तो बुरा ना मानो होली है, ऐसे कुछ शरारत भरे गीत भी हो जाए होली के। हाँ, तो हम लोग अपने यहाँ के कुछ और सुनाते हैं। बिल्कुल सुना दीजिए अमर उजाला के दर्शकों के लिए शरारती मैथिली के शरारती गीत होली स्पेशल पर। आज खेले होरी गुइया, आज खेले होरी गुइया, आज खेले होरी रे सुनना घर, ये
का मौसम है और साथ में मैथिली है और मन में बार बार एक जो गाना है वो गीत है आ रहा है, आज ब्रज में होली है रे रसिया। तो मुझे लगता है मैथिली इसको अगर आपका सुर बन मिल जाए तो होली की बात ही कुछ और हो जाए हमारे के दर्शकों के लिए। मैथिली के साथ आज ब्रज में होली रे रसिया। आज ब्रज में होली रे रसिया, 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 होली रे रसिया पर चोरी रे रसिया, होली रे रसिया पर चोरी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। जानते हैं रंगों की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? एक रंग दूसरे रंग से न जात पूछता है न मजहब, मिल जाता है घुल जाता है और फिर एक रंग बिरंगा आसमान बन जाता है। मिलकर रहिए, प्यार से रहिए, भाईचारे से रहिए, यही होली हमें सिखाती है। आज का ये कार्यक्रम इसी संदेश के साथ, अच्छे से होली मनाइए, एक दूसरे का ख्याल रखिए और पुरानी बातों को भूल जाइए और बोल दीजिए बुरा ना मानो, होली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।